सो द फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस ब्लू हैवन पैलेट आई शेडो पैलेटम बैक टू माई चैनलोने वाला है एक नायका हॉल सो दोस्टेड की फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने नायका से मंगाया है वो है ये ब्लू हैवन का आई शेडो पैलेट इसकी प्राइस है हंड्रेड एंड सिक्स रुपीज़ या मैंने सेल में लिया था हंड्रेड एंड सिक्स रुपीज़ का अदरवाइज इसकी कॉस्ट है हंड्रेड एंड ट्वेंटी रुपीज अगर आप अभी सेल ऑलरेडी लगी है नाइका पे रिपब्लिक डे की सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ रीजनेबल एंड अफोर्डेबल आई पैलेट दैन यू कैन ट्राई दिस आउट और इसमें आपको मिलते हैं ट्वेल्व शेड्स ट्वेल्व शेड जो कि कुछ इस प्रकार के हैं इसके साथ ऑलरेडी आपको एक ब्रश भी मिलता है इसको मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया है तो मैं ये बताऊंगी ग्रे कलर और वाइट कलर ये बिल्कुल भी स्किन पे नहीं आते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा डल दिखते हैं स्किन को आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल दिखने लगती है सो आई थिंक अगर आप इसे यूज नहीं करें तो बेटर है बाकी ऑप्शन के लिए ये लॉन्ग लास्टिंग बिल्कुल भी नहीं है अगर आप बहुत अगर आप पार्टी ओकेजन के लिए जा रहे हैं सो आई डोंट रिकमेंड यू दिस पैलेट और अगर आप बिगनर है तो डेफिनेटली यू मस्ट आपको इसी से ट्राई करना चाहिए लर्न करना चाहिए कि कैसे आई को यूज करना है और कैसे अपन को लगाना है सो आई थिंक अगर आप बिगनर हैं यू कैन यूज दिस ट्वेल्व हंड्रेड एंड सिक्स रुपीज में ट्वेल्व पै शेड्स का पैलेड आई थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस अगेन फ्रॉम ब्लू हैवेन ब्रांड एंड दिस इज़ अ मस्करा आई एम यूजिंग दिस मस्करा राइट नाउ एंड यू कैन सी हाउ माई लैशेज आर लुकिंग ये इसमें लिखा है कि ये वाटर प्रूफ है और लॉन्ग लैश प्रोवाइड करता है सो डेफिनेटली ये वाटर प्रूव है और ये आपको लॉन्ग लैशेज प्रोवाइड करता है स्मैच प्रूफ है ये आप इसे लॉन्ग लास्टिंग यूज कर सकते हैं आप अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हैं या फिर अगर आप ऑफिस गोइंग गर्ल हैं तो आई थिंक यू शुड यूज दिस ये आपको बहुत ज्यादा टाइम तक आप इसे लगा सकते हो और इसमें कोई भी हार्म नहीं होता है स्किन को और uh, इसकी प्राइस थी वन हंड्रेड एंड टेन रुपीज़ ये भी मैंने सेल में लिया था तो हंड्रेड एंड टेन रुपीज़ में अगर आपको स्मैश प्रूफ वाटर प्रूफ आई मस्करा मिल रहा है सो आई थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन यू कैन यूज़ दिस मस्करा थर्ड थिंग जो मैंने मंगाया है नायका से वो है ये लैकमे सी सी क्रीम आई एम इन द शेड वेज और ये आपको एस पी एफ थर्टी प्रोवाइड करता है इसकी प्राइस है टू थर्टी सिक्स रुपीज टू थर्टी सिक्स में आपको थर्टी ग्राम्स आ, या 30 ग्राम्स आपको प्रोवाइड करता है तो ये आप इसे यूज कर सकते हैं ऑयली स्किन वाले इसे बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं आप इसे पार्टी वेयर भी यूज कर सकते हैं या फिर अगर आप डेली यूज करना चाहें तो उसे भी यूज कर सकते हैं बट अगर इफ यू आर फैमिली फ्रॉम अ ड्राई स्किन Uh, तो उसके लिए आपको पहले मॉइस्चराइजर यूज करना पड़ेगा अदरवाइज या तो आप उसे प्राइमर की तरह प्राइमर आपको पहले यूज करना पड़ेगा वरना आपकी स्किन बहुत ज्यादा क्रैकी बना देता है बहुत ज्यादा आपकी स्किन को बहुत आफ्टर सम टाइम आपकी स्किन डल लगने लगती है इसलिए अगर आप ड्राई फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको पहले मॉइस्चराइजर या प्राइमर यूज करें उसके बाद ही ये यूज करें मैं आपको इसलिए ये रेकमेंड कर रही हूं ऑयली स्किन वाले इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अगेन इज फ्रॉम मेबलीन मेबलीन का ये स्मॉल लिप बाम आई एम इन लव विद दिस लिप बाम ये लिप बाम मैंने ऑलरेडी पांच से छह बार आ, ले ली है और ये मेरी सिक्स टू तो सेवेंथ लिप बाम है ये भी मैंने ऑलरेडी यूज कर दी यू कैन सी दिस ये आई एम इन द शेड बी फाइव जीरो सेवन और ये बहुत ही ज्यादा स्मूथ है बहुत ही ज्यादा हाइड्रेट करता है आपके लिप्स को इसकी कॉस्ट है वन फोर्टी रुपीज वन फोर्टी में मेबलिन अगर आपको लिप बाम प्रोवाइड कर रहा है आई थिंक यू मस्ट चेक दिस आउट लिप बाम अगर आप बहुत टाइम से लिप बाम ढूंढ रहे हैं अंडर वन फिफ्टी रुपीज यू मस्ट यू मस्ट चेक दिस आउट सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अगेन फ्रॉम मेबलिन मेबलिन कॉम्पैक्ट एंड दिस इज एट द प्राइज ऑफ वन थर्टी सिक्स रुपीज़ वन थर्टी सिक्स में मेबलिन का कॉम्पैक्ट बहुत अच्छी चीज़ है ये इसे मैंने ऑलरेडी बहुत यूज़ कर लिया आई एम यूजिंग दिस कॉम्पैक्ट सिंस लास्ट सिक्स मंथस एंड आई एम इन लव विद दिस कॉम्पैक्ट अगर आप मैट फिनिश चाहते हैं अपनी स्किन के लिए तो आप इसका फाउंडेशन यूज़ करें मेबलिन का साथ में अगर आप मेबलिन काम्पैक्ट यूज करते हो तो आपकी स्किन लाइक फ्लॉलेस वर्क करेगी तो अगर आप अंडर वन फिफ्टी रुपीज बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट ढूंढ रहे हैं सो दिस इज अ राइट ऑप्शन और ये आपको वन थर्टी सिक्स में एट ग्राम्स देता है एंड आई एम इन द शेड पर्ल मैं सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूंगी और सारे प्राइजेस भी सो द लास्ट थिंग इज फ्रॉम लैक दिस इज अकमे आई लाइनर आई थिंक इट इज़ नॉट वर्क फॉर मी ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि ये uh, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है और ये लॉन्ग लास्टिंग बिल्कुल भी नहीं है ना ही ये वाटर प्रूफ है और इसका प्राइस है नाइन्टी सिक्स नाइन्टी फोर रुपीज़ नाइन्टी फोर रुपीज़ में आई लाइनर ठीक है अच्छा है बट uh, अगर आप वाटर प्रूफ आई लाइनर चाहते हैं जो कि बहुत देर तक आपकी आइज पर बना रहे तो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन और बट इफ़ यू वॉन्ट अ ट्राई दिस आउट देन यू कैन ट्राई दिस आउट नाइन्टी फोर रुपीज में ये आपको नाइन एम एल प्रोवाइड कर रहा है तो uh, आप एक बार इसे चेक कर सकते ट्राई कर सकते बट दिस डजेंट वर्क फॉर मी सो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन सो ये थे मेरा एक्सपीरियंस नायका के साथ इफ यू वॉन्ट एनी लिंक द लिंक्स आर ऑलरेडी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और थैंक यू थैंक यू फॉर वॉच